आपने कई बार रात के समय कुत्तों को भौंकते हुए या रोते हुए सुना होगा। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि कुत्तों का रोना शोभन नहीं होता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई कुत्ता हमारे आसपास रोता है तब हमारे घर में या गली मोहल्ले में कुछ ना कुछ तो अशुभ जरूर होता है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि वास्तव में कुत्तों का रोना शुभ माना जाता है या अशुभ। वैसे आपने बड़े बुजुर्गों को कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि घर के आसपास किसी भी कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता, इसलिए तो वो रोते हुए कुत्ते को अपने घर से दूर भगाने की सलाह देते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वास्तव में ये कुत्तों की किसी दूसरे तक संदेश पहुंचाने की तकनीक होती है। वैसे कुत्तों को भेड़ियों की प्रजाति का माना जाता है, ऐसे में वो उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। भेड़िये भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए हाउल ही करते हैं। वहीं हर गली और मोहल्ले में कुत्ता अपने इलाके का शेर होता है, जहां दूसरे कुत्तों के आने की मनाही होती है। इसलिए जब किसी कुत्ते के इलाके में कोई दूसरा कुत्ता एंट्री करता है तब इलाके के कुत्ते गुर्रा कर और हाऊ करके दूसरे कुत्तों को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो अपने दूसरे साथियों को भी इलाके की सुरक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। हालांकि कुत्ते गुस्से से या चिढ़कर भी हाऊ करते हैं यानी रोते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको काटेंगे। इसके अलावा जब कुत्ते किसी चीज से इरिटेट हो जाते हैं तो ऐसे में अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए भी वो हाऊ यानी रोते हैं। जी हाँ, जैसे कि कुत्तों को गाड़ियों की तेज आवाजें, बर्तनों का शोर, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो हाऊ की आवाज निकालने लगते हैं। इसके साथ ही अगर कुत्तों को कभी चोट लग जाए तो वो दर्द की वजह से भी रोना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर जब कुत्ते किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तब भी वो हाऊ भी करते हैं। इसके अलावा जब कोई कुत्ता झुंड तक अपनी लोकेशन पहुंचाने की कोशिश करता है तब भी वो अक्सर रोने जैसी आवाज ही निकलता है। आपको बता दें, कुत्ते भी बेवजह नहीं रोते हैं, बल्कि जब उन्हें जरूरत होती है तो केवल तभी रोते हैं। कुत्तों का रोना वास्तव में अशुभ नहीं होता। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।